वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डेनिस आशा। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास सेवन का मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर, ये अंतिम चैप्टर है। इसके साथ ही आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास सेवन का मैथमेटिक्स का 18 चैप्टर सममिति सिमेट्री जानते हैं हम लोग। सममिति किस चीज़ को बोलते हैं, तो चलिए सममिति के बारे में हम लोग जानते हैं। वास्तव में 18 चैप्टर में क्या क्या होता है इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। सममिति तो सिमेट्री के बारे में हम लोग जानते हैं, सममिति क्या होती है इसके बारे में हम लोग यहाँ से थोड़ा जानते हैं। कोई भी सिमेट्री होता है इस तरीके से होता है, जैसे कि यहाँ पर कोई आकृति है इस तरीके से, ठीक है, उसको अगर हम लोग दो बराबर भागों में बांट देते हैं इस तरीके से, तो ये जो आपका पहला भाग है, ये जो आपका पहला भाग है वो दूसरा भाग के क्या है, बराबर है, सेम वैसे दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्री, सममिति। मतलब एक आकृति दूसरे आकृति को अपने ऊपर में क्या कर ले, अपने ऊपर में समाहित कर ले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सममिति बोलते हैं। जैसे कि इस तरीके से देखिए, इसका पहला पांडव पति है, ये आपका दूसरा है, तो ये इसको समाहित कर लेगी, तो ये आपको क्या कहलाएगी, सममिति कहलाएगी। और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, सममितता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सममितता, सममितता। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई एक आकृति अपने दूसरे आकृति को उसके ऊपर इस तरीके से ढकता है, ताकि आप लोगों के पास वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक आकृति दूसरे आकृति को संपूर्ण रूप से ढक देता है, उसका निचला हिस्सा दिखाई देता है, तो आपकी सममिति के अंतर्गत आता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं भाई, अब बोल रहा है कि निम्न एक्सरसाइज 18.1, निम्न आकृतियों में कौन सी सममित है, इनमें से सममिति अक्ष ढूंढिए, सममिति आकृति में सममिति अक्षों की संख्या को भी लिखिए। चलिए तो यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई, इसमें देखिए कितना है, एक दो है, तीन है, चार है। यहाँ से देखिए, इसके में केवल एक है, इसके में भी केवल एक है, और इसके में हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके में नहीं है, इसके में आप लोगों का एक भी नहीं आएगा। यहाँ से करते हैं एक दो तीन, एक दो तीन, ये भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। यहाँ सममिति अक्ष एक दो तीन चार, ये हो जाएगा। यहाँ से इसकी सममिति अक्ष करेंगे इस तरीके से, ये एक हो जाएगा। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा। इसका करते हैं हम लोग ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये इसका हो जाएगा। इसका करेंगे तो एक दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार। इसका एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, इसका नहीं होगा, इसका एक ही होगा, ठीक है। ये आप लोगों का सममिति अच्छा हो गया, क्लियर। चलिए ये 18.1 के अंतर्गत था। चलिए जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अब सेकेंड एक्सरसाइज, नीचे दी गई आकृतियों में पता लगे कि कौन सी सममित है एवं कौन सी असममित है इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं सममित असममित के बारे में। ये तो आपका सममित नहीं होगा, ये ठीक है सममित नहीं होगा, ये आप लोगों का सममित होगा, ये भी सममित होगा, ये सममित नहीं होगा भाई, ये भी सममित नहीं होगा, ये भी सममित नहीं होगा, ये आपका सममित होगा और ये भी आपका सममित होगा, क्लियर। तो यहाँ पर ये सममित हो जाएंगे, ये लोग आपका सममित नहीं होंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड, अपने आसपास में स्थित पांच असममित आकृतियों के नाम लिखिए जो इस पुस्तक में नहीं आई हो। असममित आपका पंखा, पंखा होता है दूसरा, पंखा दूसरा हो जाएगा, दूसरा आप लोगों का क्या हो जाएगा, दूसरा जो इस प्रकार हो, बेट बैट के बेस पे हो जाएगा, तीसरा शक्ति के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। चौथा, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हमारा चौथा स्पिनर के बेस पे हो जाएगा, चौथा हमारा। इस तरीके से पांच आकृति जो इस प्रकार पुस्तक दो आकृति को आप अपने से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। 90 अंश का कोण बनाइए और उस पर सममिति रेखा अक्षर बनाए। 90 अंश का कोण बनाते हैं भाई, ये आप लोगों का 90 अंश का कोण होता है ये, और उस पर सममिति अक्ष बनाइए। ये देखिए 90 अंश का कोण, सममिति अक्ष, ये आप लोगों का पहला सममिति अक्ष, ये आप लोगों का दूसरा सममिति अक्ष, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये आप लोगों का सममिति अक्ष बनेगा। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ये रहेगा आप लोगों का सॉल्व, ठीक है, जिस पर हम लोग सममिति अक्ष बनाती हैं, क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए और उसका सममिति अक्ष बनाइए। तो इस तरीके से प्रकार की सहायता है, आप लोगों की स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, माना कि 6 सेंटीमीटर का ये है और उसका सममिति अक्ष बनाना है। एक 6 सेंटीमीटर के इधर खींच लीजिए,
यहाँ से एक खींच लीजिए और यहाँ से एक खींच लीजिए, ये इसका सममिति अच्छा हो जाएगा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का। क्लियर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का, नीचे दी गई आकृति अधूरी है जिनका सममिति एक छप्पी की है, इन्हें पूरा कीजिए। तो इसको पूरा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा भाई, ये आप लोगों का ये हो जाएगा और ये हो जाएगा इस तरीके से, और इसको पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इसको पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर के बेस पे हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 5 के बेस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नीचे कुछ मुड़ी हुई सीट की आकृति दी गई जिनकी तह पर पूरा आकृति रूप में बनाइए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और चौथा, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, चौथा के बेस पे आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये आपका इधर रहेगा, ये आपका इस तरीके से, ये चौथा के बेस पे बनेगी आंसर के बेस। चलिए आगे देखते हैं 7वां नंबर। नीचे दी गई आकृतियों के चार वाले वर्ग की तरह से बनाते समय कैसे दिखती है, सोचकर वैसे आप दिखते आकृति बनाइए और सोचकर इसको बनाते जाइए। तो यहाँ पर यह हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर आपका ये होगा, आपका आंसर ये हो जाएगा, ये चार, इसी प्रकार इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, 2, 3, ये चार, उसी प्रकार इसका भी 2, 3, 4, ये आपका आंसर ये हो जाएगा, जो कि डायग्राम के बेस पे नीचे दी गई आकृति के बेस पे। तो ये आप लोगों का 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए 1 से 100 तक की संख्या में से सममित संख्याएं कौन कौन सी है पता लगाओ, अपनी कॉपी में लिखो, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। तो पहला कितना हो जाएगा, 3 आपके में आता है, 3 आता है भाई, 8 आएगा, 11 आ जाएगा, 15 नहीं आएगा, उसके बाद आएगा 22, 22 भी नहीं आएगा, 3, 8, 11 हो जाएगा, उसके बाद 5 के बेस हो जाएगा 33, 33 आ जाएगा, और 55 के बेस पे हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से आप लोग आ जाएगा। क्लियर। चलिए अपने कॉपी भी इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, ये आप लोगों के आंसर के बेस पे आएगा। इस तरीके से आप गिनती के माध्यम से इस चीज़ को आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इतने में आप लोगों का क्या होता है, चैप्टर कम्प्लीट होता है, इतने में आप लोगों का चैप्टर कम्प्लीट होता है और क्लास 7 का भी पूरा लेसन इतने में आप लोग कंप्लीट करता है। तो सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। इतने में हम लोग आज सीजी शिक्षा की ओर से आप लोगों के कोर्स को कंप्लीट किए हैं, क्लास 7 का मैथमेटिक्स का। आई होप आप लोगों को बहुत चीज़ें समझ में आई होगी, आप लोगों को मैथ्स पढ़ने में बहुत अच्छा आया होगा। तो किसी प्रकार का किसी भी लेसन से डाउट या किसी भी लेसन समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट्स कीजिएगा और डाउट क्लास में पूछिएगा। क्लियर। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं वर्क करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास लेकर के आएंगे। तो आज का क्लास, आज का क्लोजिंग सेरेमनी हम लोग यहीं करते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।